से आपके रेडार पे? फर्स्ट ऑफ अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करो, स्टॉक में हमने काफी कंसोलिडेशन देखा था, फिर ब्रेकआउट देखने मिला है। एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदने के सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखते हैं 491, टारगेट है 516। नेक्स्ट स्टॉक भी रहेगा बाय के लिए कोफोज। कोफोज का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो हाइट ऑफ हाइड्रोटम स्ट्रक्चर में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल्सो में स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो कोफोज खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 6950, टारगेट है 7350। तो दो काउंटर्स पे आपको नजर रखनी है। कोफोज यहाँ पे हम बता भी रहे थे कि 7000 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, दिवांग को भी इन स्तरों पे पसंद आ रहा है, यहाँ पर आप रखिए नजर। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये देखिए स्टॉक में एक काफी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला उसके बाद जब ये 490 के पार निकला, तो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट भी किया था। पर अब देखिए और भी बेहतर मौका है, फ्राइडे को जिस तरीके से थोड़ा सा ये निचले स्तरों पे इस स्टॉक ने मूव दिखाया, अब आप देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज भी चलने के लिए तैयार है, ऐसा देवांग का मानना है। पर चलिए अब आगे